यह समस्या उत्तर प्रदेश के भदोही जिला अभोली ब्लॉक मऊरामशाला गांव की है। यहां पर हरिजन समुदाय के हरिलाल हरिजन को आवास की बहुत समस्या है। इनके कुल 9 परिवार हैं। ये अपना झोपड़ी बनाकर किसी तरह से अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं। बारिश के समय इनकी पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता है। गर्मी के समय इनके बच्चे धूप से व्याकुल हो जाते हैं और ये मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। हमको परेशानी है कि आवास की, जैसे हमारा मड़ई चू रहा है, आवास की परेशानी है, दिक्कत हो रहा है बहुत। हमारे इस झोपड़ी में हम रहते हैं और झोपड़ी चूती है, पन्नी लगा के रहते हैं और बरसात में पानी इसमें भर जाता है, और पानी भर जाता है तो हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं, कहाँ बनाए खाएं, इस बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रधान के पास गए थे, प्रधान ने बता कह रहे हैं कि हमको कि आवास आएगा तो आपको देंगे टहला बहाली, ऐसे कर रहे हैं 2-3 साल से और कुछ और नहीं कर रहे हैं। का परेशानी दादी? परेशानी बात रही है, 4-6 लड़कियाँ लड़के जो है परी है, मड़ई बाय मड़ई चुआत है, पन्नी लगा के बाटी प्रधान के लगे गए, प्रधान नहीं अब आवत आवास दे, अब आवास आवत दे नहीं देते हैं। हम बचे ये पन्नी लगाए लगाए मड़ई में पड़ा है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि मऊरामशाला गांव के प्रधान सिद्धनाथ शुक्ला के मोबाइल नंबर 9935118567 पर दबाव बनाए ताकि मीना देवी पत्नी हरिलाल को आवास मिल जाए, क्योंकि उनको आवास के लिए बहुत समस्या है। मैं केसा देवी, गांव मऊरामशाला, ब्लॉक अभोली, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।